गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज 4 जून 2020 की इस सुहानी सुबह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देख लेते हैं देश और दुनिया में क्या नया हुआ 4 जून 2020 को, क्या करंट अफेयर्स इंडिया के इंटरनेशनल स्पोर्ट्स या इकोनॉमिक्स इन सबसे रिलेटेड क्या न्यू करंट अफेयर है इसके बारे में जान लेते हैं। इसके अलावा जो व्यूवर्स नए हैं प्लीज़ मेरे सक्सेस मंच पेज पे, सक्सेस मंच चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिए। उस पर मेंस की सीरीज़ चलाई जा रही है तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो उसके लिए पेज पे विजिट करके, सक्सेस मंच चैनल पे विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं 4 जून 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो मैंने डेज की बात कही थी वो मैं कराऊँगी, तो आज स्किप हो गया है। तो कल हम डेज फिर से एक बार रिवाइज करेंगे जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम कराए थे, महत्वपूर्ण दिवस 1 से 5 तारीख को तक जून तक के लिए। तो आज 4 जून है और कल है 5 जून। तो कल है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, आप लोगों को पता है, तो उसकी थीम के साथ कल मैं आप लोगों के सामने आऊँगी। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया गया है किरण रिजिजू के द्वारा। तो हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण SAISAI के कहते हैं जिसे, इसके द्वारा शुरू किया गया है खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम। इसमें केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं जिन्होंने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में SpaceX ड्रैगन क्रू कैप्सूल से एक ISS में किस अंतरिक्ष यात्री को सफलतापूर्वक पहुंचाया गया? तो ये पहुंचाया गया था रॉबर्ट बैनकेन को और डगलस हर्ले, मतलब कि इन दोनों को पहुंचाया गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये अंतरिक्ष नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर केप कैनावेरल फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने MSMEs को सशक्त बनाने के लिए चैंपियन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने। MSMEs है सूक्ष्म और लघु उद्योगों के बारे में, तो इस सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए चैंपियन प्लेटफॉर्म नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसकी फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने डिश टीवी की 24.19% हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये खरीदी गई है यस बैंक के द्वारा। यस बैंक ने गिरवी रखे गए अपने शेयरों के जरिए डिश टीवी की हिस्सेदारी खरीदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फोर्ब्स लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान, ये थोड़ा स्पेलिंग एरर है, भुगतान पाने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो ये है विराट कोहली। ऑप्शन से आपको पता ही लग रहा होगा बाकी लोग भारतीय नहीं हैं। तो विराट कोहली एकमात्र भारतीय हैं जो सबसे ज़्यादा भुगतान पाते हैं, जो टॉप 100 की सूची में आते हैं विराट कोहली, और इस लिस्ट में वो 66वें स्थान पे हैं। और लास्ट लेक्चर आप देखेंगे तो मैंने 2019 के अभी उनका स्थान आप लोगों को बताया है। निम्न में से किसने गोल्ड मिनी और सिल्वर किलो ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत की है? तो जैसे कि नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा ये शुरुआत की है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में गोल्ड मिनी और सिल्वर किलो ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत की है। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य SK मोहंती ने इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत की। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तलाक के बाद कंपनी के कितने करोड़ शेयर मुआवजे के तौर पर पाने से युआन लिपिंग दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हो गई हैं? तो तलाक के रूप में इन्हें मिले थे 16.13 करोड़ शेयर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आई हूँ आज मैं आपके लिए। तो चीन की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी शेजिन कंगताई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कंपनी के चेयरमैन डियू बेमिन से की पत्नी जो थी वो है युआन लिपिंग का तलाक होने पर 16.13 करोड़ शेयर मुआवजे के तौर पर पाने से वे दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हो गई हैं। नेक्स्ट। भाजपा के ने दिल्ली में मनोज तिवारी को अध्यक्ष के पद से हटाकर किसे नया अध्यक्ष पद बन दिया है? तो वो दिया है भाजपा ने आदेश गुप्ता को। भाजपा ने हाल ही में अपनी पार्टी में बड़े बदलाव किए। उन्होंने दिल्ली, छत्तीसगढ़ और मणिपुर प्रदेश
अध्यक्षों को आपस में बदल दिया और दिल्ली से मनोज तिवारी की आदेश गुप्ता और छत्तीसगढ़ में विक्रम उसेंडी की जगह विष्णु देव साय को अध्यक्ष चुना है। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है दिल्ली कोरोना नामक ऐप। और इस ऐप के माध्यम से राजधानी के किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं इसकी जानकारी भी पता लग सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया ने महिला टीम की कप्तान रानी का नाम किस अवार्ड के लिए नामांकित किया है? तो उन्होंने ये नामांकित किया है खेल रत्न अवार्ड के लिए। ये आप याद रखेंगे कि महिला टीम जो हॉकी की है उनकी कप्तान है रानी, और इनका नाम नामांकित किया गया है खेल रत्न के लिए, जबकि वंदना मोनिका और पुरुष खिलाड़ी हरमनप्रीत का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए यहाँ नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने देश के किसानों को राहत देने के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो ये की है 50 से 83% की बढ़ोतरी। ये सरकार ने 2020-21 के धान के लिए 1,868 रुपये क्विंटल, ज्वार के लिए 2,620 रुपये क्विंटल और बाजरे के लिए 2,150 रुपये क्विंटल निर्धारित किया है। बाकी ये अमाउंट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस परसेंटेज में ये याद कर लेंगे आप। और ये क्वेश्चन UPPCS जैसे एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है इस टाइप का। इनमें से किस राज्य ने लॉकडाउन में ढील देने के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए मॉल्स को छोड़कर सभी दुकान खोलने की अनुमति दी है? तो ये दी है पंजाब राज्य सरकार ने। पंजाब ने ढील दे दी है, मॉल्स नहीं खुलेंगे वहाँ पर। पंजाब में नाई की दुकान, सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर सहित समेत सभी दुकानें सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक खुली रहेंगी। केंद्र सरकार ने देश के छोटे व्यवसायों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किसकी शुरुआत की है? तो छोटे व्यवसायों के लिए आप शिशु नाम याद रख लेंगे तो मुद्रा शिशु ऋण योजना, इसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने की है। मुद्रा शिशु ऋण की शुरुआत की है जिसके तहत 1,00,000 लाभार्थी 1 साल में 2% ब्याज का लाभ उठा सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो आज के करंट अफेयर यहीं ख़त्म होते हैं। तो होप आपका दिन अच्छा रहेगा, कोरोना से सेफ रहिए, घर में रहिए, पढ़ाई करते रहिए और जितना हो सके बच के रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।